हेलो एवरीवन, आप सबको पता है ना आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको पढ़ना है। आपने मैंने जो रिवीजन लिया था आपने बिल्कुल भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया है मुझको। ईवीएस का तो आप पिछला सब भूल गए हैं, तो प्लीज़ आप पढ़िए। पीरियडिक टू का कोर्स ही भूल गए, आप घर पर क्या कर रहे हैं? पढ़ना है ना बेटा, प्लीज़ पढ़िए। हम पीरियडिक टू से रिवाइज करते हैं, ओके। अभी पीरियडिक टू का करेंगे। क्या है भालू का घर? क्या है भालू के घर में? केवल एक माइंड में आपको याद रखना है, क्या है भालू को जुकाम होता है, वो घर बनाता है, फिर वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है, किसी के कहने पर वो हाथी को बुलाता है, और फिर क्या करता है, हाथी जब हिलता है तो उसका घर टूट जाता है, याद है सबको। तो फिर झुंड मतलब दल, क्या है झुंड अर्थात दल, प्रशंसा तारीफ, खातिर स्वागत, किसी की खातिर करना, किसी ने उसको कहा था ना कि तो आप मेरी दूध से खातिर करते तो और अच्छा होता, दूध और मछली से, प्रेम से मतलब प्यार से, समूचा पूरा, धड़ शरीर, रोशनदान अर्थात दीवार में ऊपर की ओर बड़ा सा छेद। आप हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बिल्ली मौसी किसके साथ आई? बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। घर में कौन कौन फंस गया? घर में हाथी और भालू फंस गए। भालू अपनी किस बेवकूफ़ी पर पछताया? भालू अपनी मूर्खता पर पछताया। बुआ ने क्या शिकायत की? बुआ ने कहा, तुम दूध और मछली से हमारी खातिर करते तो हमें और अच्छा लगता। भालू का घर देखने कौन कौन आया? भालू का घर देखने गिलहरी, खरगोश, मुर्गी आदि सभी जानवर आए। भालू का घर कैसे टूटा? भालू के घर पर हाथी फंस गया था। जैसे ही उसने अपने पांव और शरीर को हिलाया, उसका सिर दीवार से टकरा गया और भालू का घर टूट गया। और कविता, सारी कविताएं याद होनी चाहिए, मैं अभी कविता नहीं पढ़ रही हूँ, प्रश्नोत्तर पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ कविता आएगी एग्जाम में लिखने के लिए, वो आपको लिखना है, ठीक है। क्या है इसके शब्दार्थ? तरुअर पेड़, बंगले अर्थात बड़े घर, ठिकाना मतलब रहने का स्थान, अधर मतलब बीच में, डगर रास्ता। शहर में कौन रहने आया? भालू, चीता, शेर और सियार रहने आए शहर में। सब तरफ क्या दिखता है? सब तरफ बंगले और महल दिखते हैं। क्या नहीं बचा है? सब तरफ मैदान बन गए हैं, कहीं भी हरियाली नहीं बची है। पेड़ काटने से क्या हुआ? पेड़ काटने से मैदान बन गए हैं, जंगल खत्म हो गए हैं। सभी बिना सहारे क्यों रह गए? पेड़ व जंगलों को काटने से सभी जानवर बिना सहारे के हो गए हैं। इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि हमें न तो पेड़ को काटना चाहिए न ही जंगलों को, वरना हमें बहुतायत में पेड़ लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण व जीव संरक्षण दोनों हो। बड़ा उत्तर है, इसलिए लिख लिख कर याद करिए। गिनती सभी को याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक। फिर आते हैं होली के रंग पर, ठीक है। त्योहार अर्थात उत्सव, उदासी दुख, मित्र मतलब दोस्त, बगीचे अर्थात बगीचा क्या होता है? पाप फल, भगोना बड़ा सा बर्तन, रसोई घर खाना बनाने का स्थान को क्या बोलते हैं? रसोई घर। पाठशाला अर्थात जहाँ पर हम पाठ पढ़ते हैं, वहाँ पाठशाला होती है। नुकसान हानि, जोश उत्साह। कौन सा त्यौहार आने वाला था? होली का त्यौहार आने वाला था। कौन कौन सहपाठी थे? रोहन, निकिता, श्रेया, अनिल और उमंग सभी क्या थे? सहपाठी। बच्चों को होली खेलने से कौन रोक रहा था? कौन रोक रहा था? बच्चों को होली खेलने से परिवार वाले रोक रहे थे। रंग कहाँ पर बनाए गए? रंग रसोई घर में बनाए गए। पिछली होली पर कौन सी घटना घटी थी? पिछली होली पर रोहन के भाई प्रतीक की आंखों में रंग चला गया और आंखें खराब होते होते बची। दादाजी ने समस्या का हल कैसे निकाला? दादाजी ने प्राकृतिक रंग बनाना सिखाकर बच्चों की समस्या का हल निकाला। अभी होली आने वाली है, इसलिए केवल गुलाल से खेलिए, बल्कि कोशिश तो मत खेलिए क्योंकि फिर से कोरोना आ गया है। बच्चे नाचते हुए कौन सा गीत गा रहे थे? कौन सा गीत गा रहे थे? बच्चे नाचते हुए गाते गुनगुनाते
होली रे होली, बच्चों की होली, खेलेंगे असली रंगों से होली, कोई न घबराओ मिलकर होली मनाओ, क्यों याद ही होगा कि नहीं, नहीं है तो करो। अब हम आते हैं, ये जाड़े के धूप बाट नहीं आएगा, ठीक है। सजग बच्चे, इस पर सजग बच्चे, राहत अर्थात चैन, वासी अर्थात पुराना, पिछले दिन का, कुआसा जो रोने को हो, पीड़ा तकलीफ, स्वच्छता सफाई, सजग जागरूक। पार्क कहाँ पर था? एक शहर में एक पार्क था। पार्क में किसकी चहल पहल रहती थी? पार्क में लोगों और बच्चों की चहल पहल रहती थी। पार्क में किसका पौधा था? पार्क में चमेली का पौधा था। जानवर पार्क में क्यों आ जाते थे? बच्चों द्वारा फैलाई गंदगी को खाने जानवर पार्क में आ जाते थे। पार्क में कैसा शोर था? पार्क में बच्चों का शोर था। बच्चों ने पौधे से क्या कहा? बच्चों ने पौधे से कहा, गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। गिरे हुए पत्ते पार्क को क्या फायदा पहुँचाते हैं? गिरे हुए पत्ते मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं आम के पेड़ वाले पार्ट पर। बौर क्या है? आम का फूल। धनी अमीर, निर्धन गरीब, चाव पसंद, सुर्ख गहरा बहुत लाल, रसीला रस से भरा, ऋतु मौसम विचित्र अजीब, किस्में प्रकार प्रतिदिन रोज। किस फल के सिर पर मुकुट होता है? अनानास के सर पर मुकुट होता है। कश्मीरी नाशपाती क्या कहलाती है? कश्मीरी नाशपाती बाबू गोशा कहलाती है। संतरे की जाति के फल कौन से हैं? सनारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल और नींबू, ये सब संतरे की जाति के फल है, याद रखना, या हो सकता है प्रश्न एग्जाम में आ जाए। आम ने अपने विषय में अशोक को क्या बताया? आम फलों का राजा है, आम के पेड़ पर बौर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है। मैं धनी निर्धन बड़े बूढ़े सबका प्यारा फल हूँ, विदेशों में भी सब मुझे बहुत चाहते हैं। सेब फायदेमंद क्यों माना जाता है? सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, कश्मीरी सेब सबसे अच्छा माना जाता है। गर्मी के मौसम में कौन से फल आते हैं? हरे आलूचे, पीले आलूचे, नीली काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, ककड़ी खरबूजा तरबूजा गर्मियों के फल। अब आपको बेदाना किसे कहते हैं? अनार खट्टे और मीठे दोनों होते हैं, इसके दानों को चटनी में डाला जाता है, मीठा अनार बेदाना कहलाता है। निम्नलिखित फलों की जानकारी दीजिए। चीकू 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 के बारे में जानकारी है। चीकू एक ऐसा फल है जो स्वाद में रसीला और मीठा होता है। चीकू में विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। अंजीर विश्व के सबसे पुराने फलों में एक है, यह रसीला और गुदेदार होता है। अंजीर कई रोगों में उपयोगी है। कविता फिर से बोलूंगी, याद रखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। शब्दार्थ अनूठे खेल के, अनूठे अर्थात अनोखे, निराला सबसे अलग, पाला कबड्डी का मैदान दो पालों में बांटा जाता है, प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। हम जोली एक ही उम्र के, शक्ति कमजोर, मेल मेल मतलब जुड़ना मिलना, गिल्ली लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा जिसे डंडे से उछालते हैं। हमें खेल कैसे खेलना चाहिए? मिलकर या अकेले, अर्थात ही मिलकर। खो खो में क्या होता है? खो खो में उठकर भागना और छूना होता है। कबड्डी कैसा खेल होता है? कबड्डी सांसों का खेल होता है। सबके छुप जाने पर एक ढूंढता है, इस खेल का क्या नाम है? सबके छुप जाने पर एक ढूंढता है, उस खेल को लुका छुपी कहते हैं। कांच की गोली से कौन सा खेल खेला जाता है? कांच की गोली से कंचे खेले जाते हैं।
गिल्ली को किसके साथ खेला जाता है? जल्दी बताइए। गिल्ली को डंडे के साथ खेला जाता है। अब इन खेलों की जानकारी भी देनी है, जैसे कुश्ती, कुश्ती पहलवान खेलते हैं। पहले इस खेल को मिट्टी पर खेला जाता था, इससे एक निश्चित क्षेत्र में ही खेला जाता है, इसे दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। कबड्डी, कबड्डी दो दलों के बीच खेला जाता है। यहाँ हुतुतुत के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः सांसों का खेल है। दिनों के नाम याद होने चाहिए, कौन सा दिन कब आता है, किसके बाद कौन सा आता है, किसके बाद कौन सा महीना आता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर में। जनवरी में गणतंत्र दिवस, फरवरी अपना, अगस्त में स्वतंत्रता दिवस। यह सब याद होने चाहिए। पहला महीना कौन सा? जनवरी। आखिरी महीना दिसंबर। अब आपको मेरे विद्यालय पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखवाई थी, वो याद होनी चाहिए। कहानी पूर्ण करते आनी चाहिए। अब मैं गाय पर निबंध बोलती हूँ, वह गाय पर निबंध आप करेंगे। गाय एक पालतू जानवर है। यह सफेद, काली, भूरी आदि रंगों की होती है। इसके चार पैर और दो सींग होते हैं। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। इसके चार घर होते हैं। यह घास और चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। इसका दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। तो प्लीज आप पढ़िए, जरूरी है हमारे लिए पढ़ना, है ना। चलिए मिलते हैं, बाय।